हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे रीजनिंग के 5 बेहतरीन प्रश्न जो आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, कौन सी संख्या दोनों प्रश्नवाचक स्थानों में लिखी जा सकती है। देखिए दोस्तों, दो प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए हैं, इसी को हमें सॉल्व करना है, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से किसी एक ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे फटाफट सॉल्व करते हैं। देखिए हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह पे एक्स मान लेंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह पे एक्स मान लेंगे, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए इसमें तिर्यक गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो देखिए यक्ष में यक्ष से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यक्ष स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यक्ष स्क्वायर हो जाएगा ना। अब बराबर 4 में हम 100 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जब यह वर्ग में दिया है तो यक्ष बराबर क्या कर लेंगे, यक्ष बराबर करणी में 400, ठीक है, करणी में 400। अगर हम 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20, ठीक है। 20 का वर्ग कितना होता है 400, यानी हमारा 20 आ जाएगा आंसर। किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने इसे बहुत ही आसानी से आपको बतलाया। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, कौन सा अक्षर निम्नलिखित में से केवल एक शब्द में प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितने शब्द दिए हुए हैं, 1 2 3, तीन शब्द दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक ऐसा अक्षर है, ठीक है, जो हमें ज्ञात करना है, जो कि केवल एक ही शब्द में हो, तीनों शब्द में ना मिले, यानी कि दो शब्द में ना मिले, ठीक है, केवल एक ही शब्द में हो, तो हमें उसी अक्षर को सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों, हम ऐसे प्रश्न को बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, जो आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, ऐसे प्रश्न आपको उलझाने के लिए पूछा जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसे फटाफट सॉल्व करते हैं। देखिए हम इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कितने शब्द दिए हुए हैं, 1 2 3, ठीक है, तीन शब्द दिए हुए हैं। ऐसे प्रश्न को हम क्या कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे प्रश्न को हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, पहले ऑप्शन क्या दिया, यस, ठीक है, तो देखिए शब्द नंबर 1 में क्या दिया है, यस दिया है, और 3 वाले में दिया है यस। हमें क्या ज्ञात करना है, जो केवल एक ही शब्द में हो, तो यहाँ पर 2 हैं, ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। उसके बाद हमें दूसरा सॉल्व करना है, देखिए दूसरे सॉल्व करना है, दूसरा क्या है, पी, पी हमारा है, तो देखिए यहाँ पर भी पी दिया है और यहाँ पर भी पी दिया हुआ है, यानी कि ये भी 2 शब्द में दिया है, तो ये भी गलत है, ठीक है। अब तीसरे को हमें सॉल्व करना है, सी वाले के, देखिए के हमारा पहले शब्द में भी है और तीसरे शब्द में है, ये भी ऑप्शन गलत है। तो अब क्या करना है, हमें डी वाले को याद करना है, तो देखिए डी में क्या दिया है, यच, यच कहाँ पर दिया है, तीसरे शब्द में, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, और कहीं पर यच नहीं दिया है, न पहले में न दूसरे में, ठीक है, यानी कि यच हमारा एक शब्द है, ठीक है, जो सबसे अलग है, इसी को हमें सॉल्व करना था, तो यच हमारा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत ही आसान समझ में आ गए होंगे। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या चुनिए। देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है, संबंधित संख्या चुना है, क्वेश्चन मार्क हमारा यहीं पर है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, ए बी सी का संबंध जेड वाई यक्स से है, ठीक है, तो सी बी ए का संबंध किससे होगा, ये हमें सॉल्व करना है, और इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें संबंध किससे बनाया है, ठीक है, देखिए सी और सी, देखिए इसका संबंध इससे बनाया है, ठीक है, इसका संबंध इससे बनाया है, तो क्या किया है, सी को, यानी कि सी को उल्टे लिखा है, सी लिख दिया है पहले, फिर उसके बाद बी लिखा है, उसके बाद ए लिख दिया है, ठीक है। ए बी सी का संबंध किससे है, सी बी ए से, इसका संबंध इससे बनाया है, तो इसका संबंध किससे बनाएगा, क्वेश्चन मार्क वाले स्थान से, तो कैसे बनाएगा, देखिए इसका उल्टा कर दिया है, तो इसमें क्या करेगा, पहले यक्स लिखेगा, ठीक है, फिर वाई लिखेगा, फिर जेड लिखेगा, यानी कि यक्स वाई जेड, किस ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है,
ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न हमें उलझाने के लिए दिया था है? तो हमने इसे सॉल्व किया, तो कैसे सॉल्व किए? देखिए दोस्तों, जो ए बी सी है इसका संबंध किससे है? सी बी ए से। तो जेड वाई यक्स का संबंध किससे था? यक्स वाई जेड से। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा क्या भरा जाएगा? यक्स वाई जेड। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर चार, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चार में क्या दिया है? श्रेणी 105, 85, 60, 30, 0, -45, -90 में गलत पद कौन सा है? ठीक है, क्या करना है हमें? इस क्वेश्चन में गलत पद ज्ञात करना है, और वो कैसे हम ज्ञात करेंगे? बहुत ही आसानी से। देखिए दोस्तों, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे फटाफट सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 105 में क्या किया है कि 85 आ गया है, फिर 85 में क्या किया है कि 60 आ गया है, उसके बाद 60 में क्या किया है कि 30 आ गया है, और 30 में क्या किया है कि यहाँ पर 0 आ गया है, और 0 में क्या किया है कि -45 आ गया है, ठीक है, और -45 में क्या किया है कि -90 आ गया है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए दोस्तों, क्या करेंगे? देखिए 105 में क्या किया है कि हमारा 85 आ गया है, क्या किया है? माइनस, माइनस कितना किया है? 20। माइनस 20 किया है तो 85 आ गया है, ठीक है। उसके बाद 85 में कितना माइनस किया है? 25। 25 माइनस किया है तो 60 आ गया है, ठीक है। उसके बाद 60 में कितना माइनस किया है? 30। 30 माइनस किया है तो कितना आ गया है? 30। अब 30 में हम कितना माइनस करेंगे कि 0 आ गया? देखिए आप कितना, पहले 20, 25, 30, अब कितना माइनस करेंगे? 35। अगर हम 30 में से माइनस 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा? -5। कितना आ जाएगा? -5, यानी कि 0 के स्थान पे कितना आना चाहिए था? -5, ठीक है। अब क्या करेंगे? यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा -5 आएगा, और किस ऑप्शन दिया है? इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब क्या किया है? -40, यानी कि -5 में अगर हम -40 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 45। कितना आ जाएगा? 45। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है 45, ठीक है। अब उसी प्रकार क्या करेंगे? -45 में हम -45 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -90। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, 0 का स्थान पर कितना रहा है? -5। देखिए दोस्तों, इसमें क्या किया है? सब में पहले में 20, 25, 30, 35, 40, 45, यानी कि क्रम वाइज माइनस करता गया है, तभी हमारा ऑप्शन आया है। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर पाँच, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पाँच में क्या दिया है? दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या चुनिए। देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है? हमें संबंधित संख्या चुनना है, और ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या दिया है? 583 का संबंध 293 से है, तो 488 का संबंध किससे होगा? यही हमें सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, ये 583 का संबंध किस प्रकार 293 से किया है, उसी प्रकार से हम 488 का संबंध क्वेश्चन मार्क से करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इसे फटाफट सॉल्व करते हैं। देखिए क्या किया है, पहले हम क्या करेंगे? 5 और 8 और 3, ठीक है, 5, 8, 3, इनको हम आपस में जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा? 8, 5, 13, 3, 16 हो जाएगा। कितना हो गया? 16। अब इसे भी हम जोड़ लेते हैं, देखिए 2 + 9 + 3, कितना हो गया? 9, 2, 11, 3, 14, यहाँ पर हो गया 14। देखिए पहले में 16, दूसरे में 14, यानी कि इसमें से क्या किया है? 16 वाले में से 2 माइनस कर दिया तो यहाँ पर 14 हो गया है, इसमें से 2 माइनस कर दिया तो 14 हो गया है। उसी प्रकार इसका भी संबंध बनाएंगे, इन तीनों को आपस में जोड़ लेंगे और माइनस 2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो देखिए इसका संबंध इसी प्रकार बनाया है। तो अब क्या करेंगे? 4 + 8 + 8 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20। अब उसी प्रकार हम क्या करेंगे? इसे हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। किससे? ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 20 आया है तो हम 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाना चाहिए? 18। कितना आना चाहिए? 18। जो जिस ऑप्शन में 18 आएगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो चलिए दोस्तों, हम पहले ऑप्शन को सॉल्व करते हैं।
देखिए पहले ऑप्शन को हम सॉल्व करेंगे तो 2 और 9 11 हो जाएगा, 11 और 1 12 हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी को सॉल्व करते हैं। देखिए 3 और 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। देखिए 3 प्लस 7 प्लस 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 18। तो किस ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या बढ़ा जाएगा, 378, 378। देखिए दोस्तों एक किस प्रकार हमारा संबंधित था, देखिए 5, 8, 3 को हमने जोड़ा तो 16 आ गया, और दूसरे वाले को जोड़ा तो हमारा कितना आ गया, 14, यानी कि पहले वाले संख्या में जो जोड़ा था उसमें से 2 माइनस कर दिया, जो संख्याएं आए थी उसमें 2 माइनस किया तो 14 आ गया। उसी प्रकार हमने 4, 8, 8 को जोड़ा तो 20 आ गया, ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें से 2 माइनस किया तो 18 आ गया। तो हमने क्या किया, ऑप्शन सॉल्व किया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सॉल्व हो गया, 3 और 7 जोड़े तो 10 हो गया, और 10 में 8 जोड़े तो 18 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 5ों प्रश्न आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही।